हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम भेज की एक आसान सी रेसिपी बनाएंगे जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हेल्दी कैसे? तो ये हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसमें हम यूज कर रहे हैं पालक, वो भी थोड़े अलग अंदाज में। मतलब कि आज हम बनाने वाले हैं गोभी पालक। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पालक और गोभी। गोभी को मैंने इसे काट के हल्दी वाले पानी में रख दिया है। इसे करने से क्या होता है ना, अगर गोभी में कोई कीड़े वगैरह होते हैं तो वो निकल जाते हैं। और हमें चाहिए टमाटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है और फिर कुछ बेसिक से मसाले जैसे कि प्याज, थोड़े से जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, नमक, मिर्च और एक चुटकी चीनी। और यहाँ पे मैंने एक पैकेट मैगी मसाला लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू करने के लिए पहले हमें पानी ले लेना है, उसे अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर अपने जो पालक है वो डाल के इसे 50 से 60 सेकेंड के लिए उबलने के लिए छोड़ देना है। हो गया है तो अब इसे निकाल के हम आइस वाले पानी में डाल देंगे। अब वही पालक वाले पानी में ही हम अपनी गोभी को 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो अब हमारा गोभी भी पक गया है, अब हम इसे निकाल के इसे थोड़ा सा सेलो फ्राई कर लेंगे। अब गोभी को फ्राई कर लेने के बाद हमारे जो पालक थे इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो अब ये भी हो गया है, अब चलिए चलते हैं और कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल ऐड कर लेते हैं। तो अब तेल गर्म होने के बाद इसमें हम हमारे प्याज ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार देके इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम टमाटो प्यूरी ऐड करके इसे 2 मिनट और भून लेंगे। अब इसमें हम पालक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हमारे गोभी ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे पकने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें मैगी मसाला और थोड़ा सा चीनी, मतलब 1 चुटकी चीनी ऐड कर देंगे और सबको मिला लेंगे। अब ये बन चुका है तो इसे हम सर्व कर लेते हैं।
मेरा गोभी पालक तो बन गया है और मैंने इसे सर्व भी कर लिया है। तो अब मैं चली इसे खाने के लिए और आप जाइए इसे बनाने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।